स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 4 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास से है। और आज का प्रकरण है हमारा शाहजहां। इसके पिछले वीडियो में हमने 1, 2 और 3 लेसन प्लान को लेकर के बात की है, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास से है और आपके प्रकरण भी अलग अलग थे। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं और लेसन प्लान सर्च कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां से जैसे ही आप हिस्ट्री यानी एसएसटी से लेसन प्लान सर्च करेंगे, आपको वहां पर लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने लेसन प्लान की कॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, फिर आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज नहीं बनाना चाहते, आप ऐसे ही बना के लिखिएगा। दिनांक सबसे पहले डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा। विषय यानी सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, और उप विषय की बात की जाए तो इतिहास यानी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री से ही रिलेटेड आज का हमारा प्रकरण है शाहजहां। ठीक है, प्रकरण की बात करें यानी आपका जो टाइम पीरियड रहेगा, सॉरी आपका जो पीरियड रहेगा वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। टाइम पीरियड यानी समय अवधि की बात की जाए तो ये आपका 30-45 मिनट हो सकता है। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा है हमारी 7। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रकरण। प्रकरण है आज का हमारा शाहजहां। तो आज के इस वीडियो में हम इसी लेसन प्लान को कवर करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आएगी हमारी सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके उप विषय इतिहास से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देते हैं, जिसे बच्चे इनका दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं और उनकी विशेषताओं को बता सकते हैं। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, तीसरा पॉइंट है छात्रों में सर्वधर्म भावना का विकास करना, चौथा पॉइंट हो गया अतीत व वर्तमान में संबंध स्थापित करना, उसके बाद पांचवा पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तो दोस्तों ये थे सामान्य उद्देश्य जो कि आपके उप विषय से संबंधित थे। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके प्रकरण। प्रकरण है आपका शाहजहां, तो इससे आप संबंधित विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राओं को शाहजहां के विषय में जानकारी हो सकेगी। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं को शाहजहां के शासनकाल के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा बोधात्मक उद्देश्य, ये विशिष्ट पॉइंट है आपका दूसरा, यानी विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पॉइंट बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं शाहजहां के शासनकाल का बोध कर सकेंगे। फिर इसी में हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, फिर आप लिखेंगे छात्र छात्राएं शाहजहां की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य का तीसरा पॉइंट अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं शाहजहां की शासन व्यवस्था को भली भांति जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है स्वर्ण युग कहे जाने वाले शासनकाल के विषय में जानकारी कर सकेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जो विशिष्ट उद्देश्य थे वो कम्प्लीट हो गए, ये आपके प्रकरण से रिलेटेड थे। फिर आगे हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी TLM। टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी चीजें यूज करते हैं वो TLM में दिखाएंगे, जैसे चौक का इस्तेमाल किया आपने, डस्टर का, ठीक है, लपेट श्यामपट का, पॉइंटर, कोई चित्र हो गया, कोई मॉडल हो गया, कोई वस्तु हो गई, तो इस तरह से आप जो भी चीजें यूज करेंगे आप उसे TLM में दिखाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है, यानी छात्र छात्राएं पहले से क्या कुछ टॉपिक से रिलेटेड चीजों का प्रीवियस नॉलेज रखते हैं। इसमें आप लिखेंगे छात्राएं मुगल सम्राट शाहजहां के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये बच्चों का था पूर्व ज्ञान। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न निकलवाने के लिए छात्रों से या छात्राओं से हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका, अगर आप मेल टीचर हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। ठीक है, इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बच्चों ने बताया बाबर। आपने दूसरा प्रश्न किया किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध इमारत ताजमहल बनवाया था, बच्चों ने बताया शाहजहां। तीसरा फिर आपने किया शाहजहां के विषय में आप और क्या क्या जानते हैं, यहाँ छात्र निरुत्तर हो गए क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। फिर आप डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोग मुगल सम्राट शाहजहां के विषय में
विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे या उस विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य कथन था जो कि आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। फिर हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए तो आप इसमें पूरे टॉपिक को लेकर के चलते हैं। टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न करने के बाद स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझाएंगे। इसके लिए आप सीधे सीधे 6 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्रानुक्रिया, शिक्षण बिंदु, श्याम पटकार, इस तरह ये 6 कॉलम आपके बनेंगे। इसमें आपने पहला विकासात्मक प्रश्न किया, दिल्ली का लाल किला के शासक ने बनवाया। बच्चों ने बताया शाहजहां ने। यहाँ पर शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हुई, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं इनका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, शाहजहां ने राजगद्दी पाने के लिए अपने भाइयों के साथ क्या किया। तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गए, उन्हें इसका उत्तर नहीं पता। अब यहाँ से आप पूरा शाहजहां के शासनकाल का वर्णन करेंगे। जैसा कि इसमें दिया है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 1627 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसने अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिए अपने भाइयों को निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां ने नूरजहां के भाई आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से विवाह किया। उसे मुमताज महल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप शाहजहां के शासनकाल को लिखेंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हुई। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप इसी के आगे और क्या कुछ लिखेंगे। तो आगे आप ऐसे ही चीजें लिखेंगे। आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को पढ़ के, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। आप पॉइंट वाइज भी इन चीजों को लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शाहजहां का शासनकाल क्या कुछ पॉइंट इसमें दिया है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आएगा इसी से संबंधित स्पष्टीकरण, यानी आपने जो शाहजहां का शासनकाल बताया उससे संबंधित आप स्पष्टीकरण भी देंगे। तो आप स्पष्टीकरण देख लीजिए, क्योंकि स्पष्टीकरण भी आपका काफी लंबा है। ठीक है, स्पष्टीकरण आप इसलिए देते हैं ताकि आप विकासात्मक प्रश्न कर सकें। स्पष्टीकरण में हम आगे देखेंगे। ये नेक्स्ट पन्ने पे आपका स्पष्टीकरण यहाँ से पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में टाइम काफी लग जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे बच्चों से, शाहजहां गद्दी पर कब बैठा। बच्चों ने बताया 1627 ईस्वी में, क्योंकि आपने अभी टॉपिक को पढ़ाया था तो बच्चों ने बताया। यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, शाहजहां ने गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों के साथ क्या किया। बच्चों ने बताया अपने भाइयों की उन्होंने निर्मम हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। छात्र निरुत्तर हो गए, क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं आ रहा है। आप फिर से स्पष्टीकरण के माध्यम से चीजों को समझाएंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। ये देखिए, स्पष्टीकरण दिया है, शाहजहां ने पूरा जो स्वर्ण काल है वो क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में सारी चीजें लिखी हैं। आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख सकते हैं। यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से इन चीजों को लिख सकते हैं। आप पॉइंट वाइज करिएगा, थोड़ा नया लगेगा आपका लेसन प्लान। रही लेसन प्लान के फॉर्मेट की बात, तो देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप हेडिंग वाइज कैसे कर सकते हैं। आप अगर कॉलम में करेंगे तो सारी चीजें आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और ये जो सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, इसके लिए आप एक लाइन खींच करके ऐसे ही, ठीक है, बीचों बीच में लाइन खींचिए, इधर पॉइंट डालिए, इधर उनका अर्थ बताइए। ठीक है, यानी सामान्य उद्देश्य में क्या कुछ आप लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य में क्या कुछ चीजें लिखेंगे। तो आप ऐसे न्यू फॉर्मेट बना सकते हैं, अदरवाइज आपका जो फॉर्मेट रहता है वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे जो स्पष्टीकरण थे, यानी जो आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न थे, वो कंप्लीट हो गए। आगे हम देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। फिर आप हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। इसमें आप लिखेंगे, शाहजहां को किसने बंदी बनाया। दूसरा है, शाहजहां को कौन सा सम्राट कहा गया। तीसरा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। फिर चौथा है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। तो इस तरह आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न दे करके जो भी आप टॉपिक को पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड ही आप बोधात्मक प्रश्न देंगे, और इससे बच्चों का आप मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है
उन्हें कितना समझ में आया है, इसीलिए आप बोधात्मक प्रश्न देते हैं। फिर आगे हम देखेंगे श्यामपटकार यानी ब्लैकबोर्ड वर्क, आप इसे श्यामपट सारांश भी कहते हैं, आप इसे ब्लैकबोर्ड वर्क भी कहते हैं। इसमें आप श्यामपट कार्य के लिए वैसी ही चीजें मेंशन करेंगे जैसे आप फर्स्ट पेज भी करते हैं। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें मेंशन करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक चार्ट नहीं है तो एक बॉक्स बनाइए ब्लैक स्केच से। उसमें क्या करेंगे आप, ब्लैक जो कलर की पेंसिल होती है, ठीक है, उसे शेडिंग करिए ब्लैक, और ऐसी ही चीजें आप पेन से, ब्लैक पेन से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें मेंशन है, दिनांक हो गया, कक्षा हो गई, विषय आप जरूर डालेंगे क्योंकि विषय के अंतर्गत आपका उपविषय इतिहास है। ठीक है, प्रकरण है शाहजहां, चक्र आप जो फर्स्ट पेज पे डालेंगे वही सारी चीजें यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसमें दिया है 1627 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा, 1632 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की, इसी तरह आप 1636 ईस्वी में लिखेंगे। फिर आगे ऐसी चीजें मेंशन करेंगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में। चलिए देखते हैं आगे और क्या कुछ आप लिखेंगे। यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड वर्क कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य, फिर आगे हम डालेंगे निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे तब जब छात्र या छात्राएं श्यामपट कार्य उतार रहे होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट कार्य पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगे या देंगी, वह स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। तो ये था ऑब्जर्वेशन। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्त प्रश्न यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसे आप क्लास में ही बच्चों को करवाएंगे, जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है पुनः उनका उसका रिवीजन वर्क करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि इसमें आपने पहला प्रश्न दिया औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, दूसरा प्रश्न है औरंगजेब के उत्तराधिकारी का नाम बताइए, तीसरा है बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई, फिर चौथा है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो इस तरह से आप पुनरावृत्ति प्रश्न करवा करके पूरे पाठ का रिवीजन करवाएंगे क्लास में ही। ठीक है, आगे हम देखेंगे गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, कोई प्रश्न उत्तर हो गया, टिप्पणी हो गई, सही गलत, मिलान, रिक्त स्थान, ठीक है, या बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस तरह से आप चीजें दे सकते हैं। जैसा कि इसमें रिक्त स्थान दिया है आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 ईस्वी में डैश कर दिया है शासक बना, तो बच्चे यहाँ फिल करेंगे। दूसरा है डैश तक चार मुगल शासकों ने राज्य किया, तीसरा है मुगल शासकों का फिर डैश कमजोर हो गया था, फिर चौथा है नादिर शाह ने डैश में भारत पर आक्रमण किया। तो इस तरह से आप रिक्त स्थान को करने को दे सकते हैं बच्चों को, और बच्चे इसे घर से करके लाएंगे। यहाँ पर आपका जो लेसन प्लान नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आप क्या करेंगे, लेसन प्लान चेक करा के अपने सब्जेक्टिव टीचर से साइन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 5 को लेकर के, जो कि आपका प्रकरण रहेगा औरंगजेब। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।